गाइज, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप एक फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर या फिर आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो या फिर यूट्यूबर हो और आपको अपने वीडियोस पे ना लाइटिंग को इम्प्रूव करना है, तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। या तो आप रिंग लाइट यूज कर सकते हो या तो आप प्रॉपर स्टूडियो लाइट्स यूज कर सकते हो। तो दोनों के कॉस्ट आपको अलग अलग पड़ते हैं, कोई एक्सपेंसिव है तो कोई आपको चीप अल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं। तो वो जो लाइट्स रहता है ना, वो माउंट होते हैं एक लाइट स्टैंड पर, और लाइट स्टैंड का अच्छे क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो अच्छे बिल्ड क्वालिटी का नहीं होगा ना, अपने रिंग लाइट को माउंट करते हो हेवी वाले, तो आपका अगर वो गिर जाता है ना, तो आपको बहुत ही भारी डैमेज हो सकता है। सो ये रहा गाइस वो प्रोडक्ट जो मैंने अमेज़न से परचेज किया है। आज मैं अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाला हूँ बेस्ट पोर्टेबल फोल्डेबल लाइट स्टैंड का। एंड मैंने इसे लिया है क्योंकि मैं अपने स्टूडियो पर कुछ लाइटिंग सेटअप चेंज करने वाला हूँ, जिसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा चैनल पे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना गाइस, अगर आपको एक अच्छा लाइट स्टैंड परचेस करना है अपने कैमरा को माउंट करने के लिए, फोन को माउंट करने के लिए, या फिर रिंग लाइट को माउंट करने के लिए, या फिर स्टूडियो लाइट को माउंट करने के लिए, तो ये जो स्टैंड है ना, आपके लिए नंबर वन चॉइस होने वाला है। सो गाइस, मेरा नाम है अनिमेश, आप देख रहे हो टेकमेश यूट्यूब चैनल। बिना देरी किए गाइस चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, इस स्टैंड का ना अच्छा खासा वेट भी है, इसी वजह से ना डब्बा कहीं कहीं से ये बैंड वैंड हल्का फुल्का हो गया है। तो चलो, इसके ऊपर सील है, इस सील को यहाँ पे कट कर लेते हैं और एक साइड से निकाल लेंगे हमारे स्टैंड को। एंड जी हाँ, मुझे लगा ही था इसके अंदर और एक बॉक्स होगा। तो ये रहा सोनिया LS250 हमारा स्टैंड, और बॉक्स बिल्कुल खाली है, बॉक्स को कर देते साइड। तो चलो, इस बॉक्स के सील को कट कर लेते हैं। बस यहाँ पे आपको सोनिया का ब्रांडिंग मिल जाएगा, मॉडल नंबर मिल जाएगा LS250, एंड बॉक्स सब तरफ से वैसा ही है, एक साइड आपको बस फोटो देखने को मिल जाएगा प्रोडक्ट का। इस पे भी टेप का सील किया हुआ है, इसको भी कट कर लेंगे। हमारा लाइट स्टैंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैक है, एंड कितने अच्छे तरीके से पैक किया गया है। पहले आउटर बॉक्स मिला, फिर इनर बॉक्स मिला, उसके अंदर भी आपको एक प्लास्टिक का कवर मिलेगा, ताकि प्रोडक्ट आपके तक ना बिल्कुल बिना डैमेज का पहुंचे, कोई स्क्रैचेस तक ना आए, इसलिए कंपनी काफी अच्छे तरीके से आपको पैक करके भेजने वाली है। ये रहा गाइस वो फोल्डेबल लाइट स्टैंड सोनिया ब्रांड का LS250। मैं बोलूंगा आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे ना बहुत सारे ऑप्शंस दिखते होंगे इस तरीके के स्टैंड के, कोई आपको 400 में मिलता होगा, कोई आपको 600 में मिलता होगा। बट टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूंगा ना, मैंने सब ट्राई कर रखा है, सबकी क्वालिटी इतनी घटिया रहती है ना, इतना पतला क्वालिटी का रहता है, आपके ये लॉक सबसे पहले टूट जाएंगे। किसी किसी में स्क्रू वाला टाइटिंग मैकेनिज्म रहेगा तो वो घुस जाता है, अच्छे तरीके से टाइट नहीं होता। इसमें प्रॉपर आपको लॉक्स देखने को मिलते हैं, जो इस तरीके से लॉक होते हैं, बहुत ज्यादा टाइट लॉक आपको देखने को मिलता है। एंड इसका अच्छा खासा वेट भी है, मैं इसे भी हाथ पे पकड़ रहा हूँ ना, मैंने मेजर तो नहीं किया है, मैं आपको भी स्क्रीन पे दिखा दूंगा। ये पूरा प्लास्टिक बिल्ड आपको लॉक देखने को मिलेगा, लेकिन थिक प्लास्टिक का बना हुआ है, बहुत ही ड्यूरेबल प्लास्टिक का ये बना हुआ है। इसके आगे वाले को खोलोगे आप तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आप इसे लंबा निकाल सकते हो। तो इसमें आपको टोटल ना 3 लेवल के एडजस्टमेंट देखने को मिलते हैं। इसका टोटल जो हाइट है ना, इसका हाइट पहुंच जाता है 9 फीट तक, यानी कि आप समझ सकते हो आपके सीलिंग को ना ऑलमोस्ट ये टच ही कर जाएगा, इतना लंबा इसका हाइट होता है। तो ये सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है पता है? फोटोग्राफर्स के यहाँ यूज होता है, स्टूडियोज के अंदर, या फिर यूट्यूबर्स यूज करते हैं, क्रिएटर्स यूज करते हैं अपने वीडियोस को बनाने के लिए, तो वहां पे ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है स्टैंड। आपको इन लॉक्स पे भी ना सोनिया का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। एंड फुल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, हैवी मेटल का बना हुआ है। इसके ऊपर आप हैवी टू हैवी 8 किलो तक का भी आप इसके ऊपर कैमरा अगर लगा देते हो ना, DSLR या फिर लाइट भी लगा देते हो, रिंग लाइट बड़े बड़े, तो सबका ये वेट ना आसानी से झेल लेगा। इसके आगे आपको मेटल का यहाँ पे हेड मिलता है, जिसके ऊपर एक कैप लगा हुआ है। इसे खोलूंगा मैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का ये मेटल का बना हुआ है। एंड यहाँ पे आपको पतला से स्क्रू हेड मिलता है, तो इस पर आप कुछ भी माउंट कर सकते हो, फोन माउंट कर सकते हो, अपना मोबाइल होल्डर लगा के आप इसमें माइक्रोफोन माउंट कर सकते हो, इस पर आप लाइट माउंट कर सकते हो, एक मल्टीपर्पस ये स्टैंड आपको देखने को मिलता है। तो ये रहा गाइस सोनिया LS250 लाइट स्टैंड, और इसको मैं आपको पूरा सेटअप करके दिखाऊंगा। इसके अंदर आपको 3 लॉकिंग मैकेनिज्म मिलता है। सबसे नीचे वाले लॉक को खोल करके आपको इस तरीके से ठेलना है, लेग्स को थोड़ा स्प्रेड करना, और ये इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। अब नीचे वाला ना अलग अलग लेवल पे आप एडजस्ट कर सकते हो, आप चाहोगे तो पूरा नीचे सटा सकते हो, या फिर मिड लेवल पे ऐसे रख सकते हो, और लगने के बाद कुछ इतना इसका स्प्रेड होता है ओपनिंग, और उसको आप चाहोगे तो और नीचे या ऊपर, जो भी आपको अपना नीड है ना, उस हिसाब से इसमें आप लगा के रख सकते हो। तो पहला लेवल इतना इसका कुछ खुलता है, ठीक है। अब मैं इसका सेकेंड लेवल खोलूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड लेवल ये मैक्सिमम इसका खुल चुका है। मेरा हाइट आप पूछोगे तो मेरा हाइट है 5 फुट 8 इंच, और ये मेरे हाइट से थोड़ा सा ऊपर जा चुका है, तो ये इसका 2 लेवल मैंने खोल लिया है। अब मैं इसका 3rd लेवल खोल के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये चीज़ देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, इसके अंदर आपको स्प्रिंग मैकेनिज्म मिलता है। उससे क्या होगा, अगर आपका कभी लॉक मिस हो जाता है, स्लिप कर जाता है, तो आपका कैमरा या मोबाइल फ़ोन झटका लग के नीचे नहीं गिर जाएगा। ये इसके अंदर एक स्मार्ट फीचर मिलता है। और 3rd वाले लॉक को यहाँ पे मैंने लगा दिया, तो देखो टोटल इसका 9 फीट का जो हाइट है, ये पूरा अभी यहाँ पे अचीव हो चुका है, एंड ये फ्रेम से बाहर जा चुका है।
बहुत ही लंबा हो गया गाइज, एंड अब ना आप इसे आराम से यूज कर सकते हो। आपको जितना रिक्वायर्ड हाइट चाहिए, आपको एकदम ऊपर से चाहिए था या फिर जिस भी लेवल में चाहिए, आप इसे आराम से एडजस्ट कर सकते हो। ये एक काफी स्पेशल सा इसके अंदर आपको देखने को मिलता है फीचर। वापस से खोल करके इस तरीके से आप इसे पैक करके भी रख सकते हो। एंड ये रहा हमारा सोनिया LS250, काफी दमदार प्रोडक्ट। सो गाइज, ये था सोनिया LS250 लाइट स्टैंड का अनबॉक्सिंग एंड डिटेल्ड रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप अपने लाइट्स के लिए, माइक्रोफोन के लिए, कैमरा के लिए, मोबाइल के लिए एक फोल्डेबल स्टैंड लेना चाहते थे ना, तो ये आपके लिए नंबर वन चॉइस है। प्राइस आपको पड़ने वाला है सिर्फ और सिर्फ 850 रुपये का। अमेजोन से मैंने परचेज किया था। जो बेस्ट बाय लिंक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से जाके खरीद सकते हो। वीडियो पसंद आया गाइस तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और जाते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जो मैंने कुछ कुछ मंगा रखा है ना, ये सब कुछ बनने वाला है एक बड़े स्टोरी का पार्ट, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। बहुत जल्द मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।